जी मैं बोले बाबा जी की सर जी एक एक मतलब कंफर्मेशन करनी है मेरे को। हाँ जी जैसे मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया उसमें ईमेल आईडी तो करेक्ट डाली मोबाइल नंबर भूल हो गया तो उसका क्या उपाय होगी? कोई बात नहीं, जो मैसेज आता है वो आपकी मेल पे भी आता है फोन पे भी आता है, तो मेल पे आ जाएगा आपके। मेल पे आ जाएगा क्या? तो पेमेंट वगैरह करूंगा तो उसके लिए ओटीपी के लिए मतलब कैसे? तो ओटीपी का देखना पड़ेगा मुझे ना। एक बार ना हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का हमने वीडियो डाला है उसमें मैडम ने पूरा कंप्लीट बनाया, उसमें देखो प्रोसेस कैसे है। प्रोसेस मैंने ऑलरेडी 5 कर ली है, 5 परमिट आ गए 1 तारीख के। पेमेंट होगी? हाँ 1 तारीख के मेरे को परमिट मिल गया ऑनलाइन में। हाँ जी मैसेज करूँ क्या आपको? नहीं पेमेंट भी कर दिया आपने? हाँ जी। तो जो मैसेज आता है ओटीपी किस पे आया वो मैसेज? मतलब मैंने जो मैंने 5 लोगों के परमिट किए थे। ठीक है ना, 5 लोगों का आज कंफर्मेशन हो गया। आपने पेमेंट कर दी? हाँ पेमेंट कर दिया पर मेरा परमिट भी डाउनलोड हो गया। कितनी पेमेंट की आपने? 220 रुपीज। अच्छा ऑनलाइन में 220 है? 220 है वो। अच्छा परमिट डाउनलोड हो गया। अब जो आप दूसरा बता रहे हैं इसमें फोन नंबर गलत डाल गया किसका है? वो भी एक बंदे का है? वो मेरी बहन का ही है, मेरे साथ में जा रही है। अच्छा सिस्टर का है आपकी? तो मैं पूछ रहा हूँ जो 5 बंदों किया उसका ओटीपी फोन पे आया या मेल पे आया? फोन पे आया था। मेल पे नहीं आया था? ना 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 ना, फिर तो कन्फर्म है कि फोन पे आएगा। नंबर गलत है जिसके पास, उन्हें काम करो। हाँ। जो आपने नंबर गलत डाला उस बंदे को कॉल करो आप ना। तो मेरे को ये याद नहीं है ना एग्जैक्टली नंबर क्या डाला, तो उसका कंफर्मेशन कैसे क्या मिलेगा? ओह शिट। अच्छा तो एक काम करो दोबारा अप्लाई कर दो। दोबारा अप्लाई करो मगर वहाँ पे दिखा रहा आधार कार्ड ऑलरेडी मतलब एग्जिस्टेड दिखा रहा। यही पंगा है यार, इन्होंने कर दिया सारा ना, अभी तो बंद कर दिया। मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं आप वेट कर लो ठीक है। अगर वो रिजेक्शन का आएगा ना 1 तारीख की बहुत अच्छी बात है आपका। आपने कल किया था ना? आपने कल मैंने किया था दो जनों को तो आज परमिट डाउनलोड भी कर लिया मैंने पेमेंट करके। तो मतलब कल करके 1-2 दिन में हो जा रहा है? हाँ 24 घंटे में एग्जैक्टली 24 घंटे में मेरे पास आ गया था मैसेज। तो हमें भी कल आ गया, हमारा तो आया नहीं अभी तक। मैसेज करो, मैं आपके ग्रुप से जुड़ा हुआ। नहीं कोई बात नहीं, आप बता रहे हो तो हमें विश्वास है वो तो ठीक है। तो कोई बात नहीं आप वेट ही कर लो है ना। मेरा 1 जुलाई का परमिट है इसलिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं आप वेट ही कर लो। और अगर बाई चांस अगर ऐसा होता है ना कि आपका रिजेक्शन भी होता है बाद में, हाँ जी, और 1 जुलाई के परमिट खुल जाते हैं तो बाद में भी 200-300 परमिट खुलते हैं जो रिजेक्ट होते हैं ना। हाँ जी वो दोबारा भी आती है उनकी वैकेंसी। ठीक है दोबारा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो अभी क्या करूँ? अभी वेट ही करना पड़ेगा। तो जैसे एक चीज और बताइए, जैसे मेरे एक कंफ्यूजन एक और क्रिएट हुआ मेरे को, ये तो पता मान लो जब सपोज मेरा 1 तारीख का परमिट है ठीक है ना जी, तो मैं 2 तारीख को जा सकता हूँ मगर जिसका 2 का वो 1 को नहीं जा सकता। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कंफर्म। मैं 3-4 साल से यात्रा कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो रही बात है जैसे मेरी फैमिली के आधे जन के 3 तारीख के हुए, एक मेरी बहन का उसका वो नंबर खाली रॉन्ग हो गया, तो उसका मैं सिर्फ एक काम करता हूँ 4 तारीख अप्लाई करके छोड़ देता हूँ। कौन सी तारीख है? 4 तारीख का। फिर सभी 4 तारीख को जाओगे? हाँ फिर क्या करेंगे? तो 2 तारीख कर दो ना। 2 तारीख की वैकेंसी नहीं है ना सर जी? नहीं नहीं है 2 तारीख की, मैं अभी चेक किया हूँ ऑनलाइन। अरे 2 की भी है 3 की भी है, मैंने भी चेक किया है। ओके सर जी कोई बात नहीं, थैंक यू। ठीक है ओके सर जी। ओके जय बोले। जय बोले।